क्षमता से ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची थी और भीड़ को निकालने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे। अब आयोजन की भले ही इजाजत ली गई हो, लेकिन पुलिस और बाकी सेवादारों की इतनी कमी क्यों थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था भगदड़ वाले हादसे के वक्त। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। ओए बुलारी, आप भी उस सत्संग में थी? पुलिस का नहीं है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। मौत की भगदड़ और फिर हर तरफ लोगों की चीख पुकार। सत्संग और भक्ति का माहौल अचानक मौत के तांडव में बदल गया। हाथरस में बाबा के कार्यक्रम में बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी, इसकी कल्पना शायद पुलिस और प्रशासन को नहीं थी। आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का पुलिस को ठीक ठीक अनुमान नहीं था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महज 72 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि भीड़ का आलम यह था कि दूर दूर से भी बस भर कर श्रद्धालु आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद एक तरफ से बहुत सारे लोग निकलने लगे, लोग किस ओर से जाएंगे ये व्यवस्था नहीं थी। अगर की भी गई होती तो भीड़ के सामने पुलिस वालों की संख्या काफी कम थी, जो व्यवस्था को लागू कराने के लिए नाकाफी साबित रही होगी। ये सत्संग नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा का था। सोशल मीडिया से पता चलता है कि इनके श्रद्धालुओं की संख्या ठीक ठाक है। बाबा के बहुत सारे भजन भी अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इससे भी उनके मशहूर होने और भक्तों की संख्या बहुत अधिक होने का पता चलता है। जानते हैं आखिर कौन है नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से फेमस ये बाबा। एटा के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई एटा से की, आईबी की नौकरी छोड़कर प्रवचन देने लगे, अक्सर पत्नी के साथ सत्संग करने जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आने पर नाम बदला, ज्यादातर सफेद सूट और टाई पहनते हैं। आमतौर पर जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो पुलिस के साथ प्रवचन करने वाले बाबाओं के स्वयं सेवक भी व्यवस्था में लग जाते हैं। शुरुआती तौर पर जो वीडियो अलग अलग सोर्सेस से सामने आ रहे हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है। साथ ये भुक्तभोगी बता रही है कि जिधर से लोग निकल रहे थे उसकी एक तरफ मोटरसाइकिलें थी और दूसरी ओर खेत। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने खुद देखा 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और यहाँ से कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा हमने हाथ से गिनती की है 107। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जब कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी फिर भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? इतने बड़े आयोजन में पुलिस और प्रशासन की तरफ से कितने पुख्ता इंतजाम थे? ऐसे हालात से निपटने के लिए बाबा की तरफ से सेवादार और दूसरे लोगों को क्यों नहीं लगाया गया? पूरे हादसे में आखिर चूक कहां हुई? कैसे सत्संग वाली जगह शमशान में बदल गई? जब बाबा प्रवचन खत्म करके वहां से निकल रहे थे तभी भक्तों के द्वारा बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए एक साथ वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके कारण वहां उमस की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और उसके बाद लोग वहां से जो है एकत्रित हो गए और वहां पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद बाबा वहां से निकल गए और लगभग कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं पीएम मोदी ने मदद का ऐलान भी किया है। हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद की जाएगी, वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद की जाएगी। सीएम योगी भी मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। सीएम योगी खुद पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर बनाए हुए हैं और 2 मंत्री मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है, साथ ही 24 घंटे के अंदर इस हादसे की रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। हेडलाइंस विजिट नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस हादसे से जुड़ी आ रही है। सीएम योगी काफी सख्त हैं, हादसे की तह तक जाएगी सरकार, सीएम ने इस बात को कहा है। हादसा है या साजिश, जांच होगी, सीएम ने इस बात को कहा है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार घटना की तह तक जाएगी। हादसा है या साजिश, इसकी जांच हो रही है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा,
ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। देखिए देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आपको ये पंडाल दिखाना चाहेंगे, यहीं पर वो कार्यक्रम किया गया था जहां पर 80,000 लोगों की क्षमता की परमिशन थी, लेकिन उससे ज्यादा यानी दोगुने के आसपास लोग पहुंचे। करीब जो अनुमान लगाया जा रहा है 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग पहुंचे थे और यहां पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और इसके अलावा जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के असीम अरुण और तमाम मंत्री यहां पहुंचे थे। निरीक्षण किया जा रहा है, यही वो स्पॉट है जहां पे स्टैम्पेड हुआ, जहां पर भगदड़ मची और 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे आए, आपको तस्वीरें दिखाएं। यहां पे आप देखेंगे अंधेरा हो गया, ये जो सामने आप पंडाल देख पा रहे हैं यहीं पर वो घटना हुई है। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए और बताया जा रहा है कि 24 घंटे में ये जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी बाबा फरार है, असीम अरुण ने कहा है जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो घायल हैं उनका इलाज जो है वो बेहतर हो, इस पर ध्यान है, और साथ ही जो मृतक हैं उनके शव उनके घर तक पहुंचाए जाएं, इस पर सरकार का ध्यान है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 हाथरस। 65 लोग एक बस में आए थे यहाँ सत्संग करने, और इसके बाद सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ पहुंचे और 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ 12 बजे प्रभु जी दर्शन दिए और प्रभु जी 1:30 बजे वहाँ से चले गए। हम तो तत्काल वहाँ से ग्राउंड से बाहर हो गए। इसके बाद जो हमारे और पैसेंजर थे वो पीछे थे और इसके बाद भड़दड़ मची है जिसमें 2 पैसेंजर हमारे भी गायब है। तो आप लोग साथ में आए थे, आपके पड़ोसी हैं वो? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, कौन कौन है, कितने लोग हैं? 65 आदमी हैं, 65 जने हम। नहीं, कौन है, पुरुष है, महिला है, कौन है? महिला है, महिला है, महतारी बिटिया है, महतारी बिटिया। जब यहाँ से मतलब सत्संग मतलब प्रभु जी चले गए तब सब चले लाग, तो मतलब सब गाड़ी पर का पहुँच गए, वो लोग गाड़ी पर नहीं पहुँचे। हम लोग ढूंढा ढूंढा तब अभी तक परेशान हो गया, बाकी ढूंढे नहीं मिल रही है। उमा बेटी दोनों अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल गए थे, बाकी ये अस्पताल में नहीं थे वो लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, मैं अलीगंज से आया हूँ। कौन गायब है? ग्राम नगला बिरियन से। हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहे। अरे, कोई 50,000 के लगभग होगी? 50,000 नहीं, 40,000। 5 लाख से आदमी ऊपर रहे भाई, 4-5 लाख से आदमी ऊपर रहे, इतना आदमी रहे, बहुत आदमी, करोड़न की संख्या में आदमी था। तो यहाँ नहीं निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कोई तका हम लोग निकल कर उधर गए, उधर रहे चहला। निश्चित रूप से गंभीर घटना है। इस समय हमारे सामने टास्क या चुनौती यह है कि जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त हो, उनके परिवारों को हम बॉडीज को हैंडओवर कर पाएं, और इस काम में हम लोग लगे हैं। जो घायल हैं उनका इलाज की व्यापक व्यवस्था की गई है अलग अलग अस्पतालों में, वो भी परिजनों को हम लोग सूचित कर रहे हैं जिससे कि उनके परिजन आ पाएं। आने वाले समय में जो हमें काम करना है वो किस तरह घटना हुई, किसकी गलती है, वो तय किया जाएगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जाँच समिति का आदेश किया है। और साथ साथ जितने भी मृतक हैं, जितने भी घायल हैं, उनको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरा समर्थन देगी। हाथरस हादसा अपने साथ कई दर्दनाक कहानियां लेकर आया है। एक परिवार भी इस प्रवचन में पहुंचा था। भगदड़ में इस परिवार की एक महिला की मौत हुई है। न्यूज 18 से बातचीत में पीड़ित ने घटना की जानकारी दी। हाथरस में हुए हादसे के बाद एटा के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए 27 लोगों के सब पहुंचे हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 1 पुरुष का सब पहुंचा है।
तमाम उनके परिजन यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ भी परिजन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किसी की पत्नी चली गई तो किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, इस तरह के तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो हाथरस पहुँचे हैं, हम जानते हैं। क्या नाम है साहब आपका? राय सिंह। क्या नाम था आपकी पत्नी का जो माँ गई थी, कैसे गई, क्या हुआ, कोई जानकारी है? रीना। क्या हुआ था, कहाँ के लिए गई थी? सत्य के साथ करने गई थी। अच्छा, फिर कोई जानकारी मिली आपको, कैसे क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि हम भी गए थे तो हम इधर दूसरी तरफ बैठे थे, ये दूसरी तरफ बैठे, जब हम गए थे अंदर तो हमने कहा इधर ही रहना, इधर जाना नहीं, जब हम आएंगे तो हम आपको ले जाएंगे। लड़का मेरे साथ था, लड़की उनके साथ थी। अच्छा। ये वाली छोटी, तो भाई उस चक्कर में मैं जब निकल गया पहले, अब बाद में ये लोग निकले तो भगदड़ मच गई। अब भगदड़ के चक्कर में ये का बहुत सारे जो है दब गए उसमें। अच्छा, भगदड़ का कारण क्या रहा होगा, क्या कारण था भगदड़ का, क्या कुछ जानकारी? आप जो मौके पे मौजूद थे, कितने लोग रहे होंगे मान लगभग? मौके पे उस समय नहीं थे, मतलब बाद में जब मैंने देखा तो लड़की के मोबाइल भी था, लड़की इनके पास, तो वो मोबाइल इस भी इसको दे गई। अच्छा। हाँ, मोबाइल इसने ले लिया और ये भी दब गई थी, तो इसको मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन पहले तो लगा नहीं, लगा दो तीन बार लगाया तब मैंने लगाया फ़ोन उठाया, इसने एक कहने की पापा मुझे ले जाओ, मैंने कहाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं ले जाऊँगा। फिर एक भैया हुए, उनने कहा ये पीपल के पास है ले जाओ, फिर मैं पीपल के पास गया वहाँ नहीं मिली, फिर मैं परेशान हो गया, फिर मैंने फ़ोन लगाया फ़ोन लगे नहीं, फिर मैं साउंड के पास गया तो ये साउंड के पास बैठी मिली। अच्छा, किस कौन सा गांव था आपका, आपके साथ कितने लोग और थे जो गए थे वहाँ, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है जैथरा। अच्छा। हमारे साथ और कोई नहीं थे, मैं दिल्ली से आया था, नोएडा से सुबह चला था। आपके परिवार के लोग कुछ गए हों और या और गांव के आसपास के लोग, कितने लोग गए? गाँव के हमारे कोई नहीं, परिवार के भी हम। कितने बच्चे हैं आपके पास? तीन बच्चे हैं। कौन कौन है? एक बेटा है, दो बेटी हैं। अच्छा अच्छा, एक बेटा दो बेटी है। हाँ, एक बेटा। साथ में कौन सी छोटी बेटी साथ में थी? साथ में उनके साथ छोटी बेटी थी और ये बेटा मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थे इनकी पत्नी की जो मौत हो गई है, वहाँ आए इनके साथ एक बेटी और एक बेटा भी था, ये भी थे कुछ बता रहे हैं, इनके साथ एक छोटी बेटी थी। बेटा क्या नाम है आपका? आप मम्मी के साथ गए थे, फिर क्या हो गया, कुछ जानकारी है आपको, क्या हो गया? मम्मी खो गई थी वहाँ, क्या हुआ था? कोई लोग पीछे से धक्का दे रहे थे और मम्मी गिर पड़ी, फिर मम्मी चिल्लाने लगी, फिर सब लोग उनके ऊपर चढ़ गए, मम्मी मेरे ऊपर चढ़ी थी। अच्छा, तो नीचे तो मम्मी दब गई थी है? तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। बेटा क्या नाम, आप भी मम्मी के साथ गए थे क्या? मैं अपने पापा के पास साथ, पापा के साथ थे, मम्मी के साथ बेटी गई थी, तो आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, परिजन गए थे। तो ये एक परिवार है, बेटी की माँ चली गई और पति की पत्नी चली गई, ऐसे एक मामला नहीं है, तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी किसी की बहन चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी की बुआ चली गई, ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं जो लगातार अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। छोटी बच्ची बता रही है, पूरे घटना की जिक्र उसने किया है, कैसे क्या हुआ बता रही है कि वहाँ भीड़ चल रही थी तो वो मम्मी उसकी दब गई, नीचे वो भी दब गई, कैसे भी निकली, लेकिन मोबाइल का सहारा था तो बेटी बाप से मिल गई लेकिन माँ उसकी नहीं बची। अजय शर्मा, न्यूज़18 एटा। एटा की रहने वाली महिला सुधा अपनी माँ, सासू और भाइयों के साथ हाथरस में सत्संग में गई हुई थी, अपनी माँ को ढूंढते हुए एटा पहुंची है। आप कुछ और परिजन पहुंचे हैं तो जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, घटना कैसे हुई, क्या हुई, आपका नाम क्या है? हमारा सुधा नाम है। आप जो है कौन, आप कौन कौन गए थे वहाँ पे? आप हमारे चौथी माँ गए, हम गए। अच्छा। हम मम्मी तो अपने घर से आए पटियाली से, आतर वहाँ उतरी सिकंदर आओ ट्रेन से, वो नहीं मिली, सब में ढूंढ ली वहाँ पांडाल में, सब में भैया ने ढूंढ ली, स्टेशन पे ढूंढ ली, वो कहू ना मिली, सिकंदर आओ हॉस्पिटल में, हाथरस हॉस्पिटल में देख ली, फिर एटा मैंने अपने हॉस्पिटल में देखी तो मैया जही मिली गई। ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे? हाँ, ढूंढा ढूंढा। आपके परिवार के और भी किसी के पास न? सब सही है, कोई ना, मैं तो निरे जाते हैं, कोई सब सही आते प्रभु। आपके ससुराल और मायके दोनों के लोग? हाँ, दोनों के आते हैं, मेरे दो भैया आते हैं। आप कहाँ की रहने वाली, ससुराल कहाँ है आपकी? मैं एटा। और मायका? पटियाली में। आपके जो है माँ, सासू और भैया सब गए थे? सासू माँ तो मैं संग गई, मैं एटा से गई, माँ तो पटियाली से आई।
आपने देखा था हादसा कैसे हुआ, कोई जानकारी आपको मिली? मैं नहीं देखो हादसा, मैं तो एटा की तरफ चली आई, हादसा तो सिकंदर आऊंगा बहू पल्ली साइड भैया की साइड। ये महिला हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानेंगे कि इनकी जो घटना हुई है, इनकी जो माँ की मौत हो गई है, आप देखेंगे तमाम ऐसे लोग हैं, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की पुत्री चली गई, ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। यहाँ लोगों का रो रो का बुरा हाल है। आम जैसे जैसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो रही है और सब जो है जाते जा रहे हैं, ऐसे भीड़ तो कम होगी, लेकिन अब देखना होगा आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये जानकारी और इसकी जांच होगी तभी पता चल सकेगा। राजेंद्र शर्मा, विजय टीम, एटा। झकझोरने वाली घटना है। ये सब बयान सुन के, ये सब चीजों को सुनने के बाद भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस में दर्दनाक हादसे की तस्वीर हर किसी को विचलित कर रही है। 125 लोगों की मौत के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन एक सवाल और है कि आखिर वो बाबा कौन है जिसके लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, वो बाबा कौन है जिसके पैरों की धूल इकट्ठा करने के लिए लोग अपनी जान पर खेलने से भी बाज नहीं आते, वो बाबा कौन है जो सूट और रंगीन चश्मे के साथ भक्तों को प्रवचन देता है। आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नारायण हरि सरकार की पूरी कुंडली। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। अरे गुलाबी आप भी सत्संग में थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। एक स्वयंभू संत, लापरवाह आयोजकों और प्रशासन की अनदेखी मिलकर 100 से ज्यादा लोगों की जान के दुश्मन बन गए। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन कार्यक्रम में भगदड़ मची और 100 से ज्यादा लोगों की जान पर भारी पड़ गई। गर्मी और उमस के बीच कम क्षमता वाले पंडाल में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आयोजक सोते रहे, प्रवचन वाले पंडाल के संकरे गेट पर भीड़ में लोग फंसते गए, तब भी आयोजक सोते रहे। फिर भगदड़ मची और दरबार में चीख पुकार के अलावा जो कुछ बचा वो लाशों का अंबार था। आखिर कैसे कम क्षमता वाली जगह पर इतनी भीड़ जुट गई? क्या आयोजकों ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी? अगर जानकारी दी थी तो क्यों मौके पर उचित संख्या में पुलिस बल तैनात नहीं था? आखिर ये जानलेवा गलती किसकी है और हादसे के बाद से कहां है दरबार सजाने वाले वो स्वयंभू बाबा? इन तमाम सवालों के जवाब बाकी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, वो ये कि आखिर ये नारायण साकार हरि है कौन? नारायण साकार हरि, तस्वीरों में दिख रहा ये बाबा कहीं से भी बाबाओं की तरह नहीं दिखता, ना कोई गेरुआ वस्त्र या कोई धार्मिक पोशाक। ये बाबा अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आता है। हर प्रवचन में अलग तरह की ड्रेसिंग, जैसे कोई हाई क्लास डेलीगेट हो। हालांकि नारायण हरि कई बार कुर्ता पैजामा पहने भी दिखता है। भक्तों के बीच भजन ने इस बाबा को लोकप्रिय बनाया और यही इसके समागम में हजारों की भीड़ की वजह भी है। नारायण साकार हरि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगर गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई। बाबा दावा करता है कि उसने गुप्तचर विभाग की नौकरी की। काफी समय तक नौकरी करने के बाद अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद सूर्यपाल से नाम बदल कर नारायण साकार हरि रख लिया और पटियाली गांव में आश्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई। कौन है नारायण साकार हरि? सरकारी नौकरी छोड़ प्रवचन देना शुरू किया। 1990 के दशक में छोड़ी थी सरकारी नौकरी। कुछ लोगों का दावा यूपी पुलिस में भी काम किया। प्रवचन, भजन और कथा वाचन से लोकप्रिय हुआ।
नारायण साकार हरि की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी पैठ है, खासकर आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ, बागपत जैसे जिलों में अक्सर उसके प्रवचन और समागम होते रहे हैं। नारायण साकार हरि अपनी पत्नी के साथ सत्संग करता है, जिसे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है, और इनमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो केवल समझ दी जा रही है, सद्ज्ञान दिया जा चुका है। हाथरस के दर्दनाक हादसे के बाद से ही बाबा फरार है। किसी को नहीं पता कि आखिर नारायण साकार हरि और उसकी पत्नी कहाँ है। कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए उसके चरणों की धूल इतनी कीमती है कि बाबा जहाँ से भी गुजर जाता है, लोग उस मिट्टी को अपनी झोली में भरकर घर ले जाते हैं और उस मिट्टी का अपने बच्चों को टीका लगाते हैं। बाबा के भक्त मानते हैं कि बाबा के चरणों की धूल लगाने या चखने से रोग दूर हो जाते हैं और ये धूल उनकी रक्षा करती है। इस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर बाबा के सत्संग में आई लाखों की भीड़ और उनके चरणों की मिट्टी पाने के लिए लोगों के पागलपन को देखा जा सकता है। अब जब बाबा ने अपना आभा मंडल एक रक्षक, एक रोगनाशक और पीड़ा हरने वाले दिव्य पुरुष का बनाया हो, तो भक्तों की भीड़ की आपाधापी समझी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद क्यों प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्यों बाबा को इन लोगों की जिंदगी खुलेआम खतरे में डालने का अधिकार मिलता रहा?